हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी आलू और बैंगन का चोखा। इसके लिए मैंने लिया है एक बैंगन जिसका वेट है 1/2 kg। आप बैंगन कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। और लिया है मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। अब बैंगन को हम कट करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कहीं इसके अंदर कीड़ा तो नहीं है। अब देखिए, इसे खोल के हम देख लेंगे बैगन सही है। अब हम इसको बैक साइड से भी कट कर लगा देंगे। अब मैंने इसे कट कर लिया है और ये साफ़ है बैगन। थोड़ा बहुत बीज इसमें हो सकते हैं। अब इसके ऊपर और टमाटर के ऊपर हम तेल लगा देंगे। तेल लगाने से इसका छिलका पकने के बाद आसानी से निकल जाता है। बैगन को कट करने की 2 वजह होती हैं कि एक तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कहीं ये बैंगन ख़राब तो नहीं है, और दूसरी वजह ये होती है कि इससे बैंगन जल्दी पक जाता है। अब इन चीज़ों को हम गैस पे भूनेंगे। मैंने गैस पे एक स्टैंड रख दिया है जिसके ऊपर अब हम बैंगन और टमाटर को सेकेंगे। आप चाहे तो कोई भी जाली वाला स्टैंड या छलनी लेके इसको आप सेक सकते हैं। इसको हम बीच बीच में पलटते रहेंगे जिससे ये हर तरफ से सिक जाए। देखिए, बैंगन और टमाटर अच्छे से भुन गए हैं और इसका छिलका भी तेल लगाने की वजह से अपने आप निकलने लगा है। अब हम इसके छिलकों को उतार लेंगे। ये देखिए, अब देखिए मैंने इनके छिलके निकाल लिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम एक बाउल में मैश करेंगे। अब देखिए, इन दोनों चीज़ों को मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसी में डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के बॉयल्ड आलू और इसको भी अच्छे से इसमें मैश कर लेंगे। अब सभी चीज़ें अच्छे से मैश हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसा हुआ अदरक। अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच सॉल्ट, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अगर आपको कोई चीज़ कम लगती है तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं, या कोई चीज़ ज़्यादा लगती है तो आप उसको कम कर सकते हैं। अब चोखा हमारा बनके एकदम तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।